कितने आदमी थे? सोजा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। ये सभी डायलॉग तो आपने कई दफा सुने होंगे। जब जब लोगों के दिलों में दहशत पैदा करनी होती है तो गब्बर की एंट्री होती है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कराने के लिए एक बार फिर से गब्बर ने एंट्री मारी है। अक्षय कुमार की फिल्म की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जारी हुए इस पोस्टर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक तो आपको याद ही होगी। जिस तरह फिल्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया गया था, ऐसा ही एक कदम छत्तीसगढ़ के गब्बर ने भी उठाया है। छत्तीसगढ़ के गब्बर ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी सरकार उस दिशा में पहल नहीं कर रही है। पोस्टर में चेतावनी भरे लहजे में लिखा गया है, सरकार को पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के लिए छत्तीसगढ़ के गठन पर आयोजित राज्योत्सव तक का समय दिया गया है। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है, हमारी माताओं और बहनों के साथ हो रही हिंसा, अत्याचार और सड़क दुर्घटना का कारण नशा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 नवंबर को राज्योत्सव के अवसर पर पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करके अपना वादा पूरा करें। 1 नवंबर के बाद भी शराब की दुकान चालू रही तो दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना शुरू हो सकती है। इसके अलावा बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ का विकास हो या ना हो, शराबबंदी करनी ही होगी।